हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और आज दिनांक हो गई है 19/9/2020। कक्षा बीएड सेकेंड ईयर और विषय आपका रहेगा गणित शिक्षण। गणित शिक्षण हम इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं और प्रकरण मैं भी बताऊंगा। इस पिछले वीडियो में भी मैंने शिक्षण सहायक सामग्री जो कि श्रव्य दृश्य सामग्री होती है, एक से और मैं एक बार वापस पुनः बताऊंगा कि भाई शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहा जाता है। यानी एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने शिक्षण को उपयोगी बनाने के लिए, या अपने शिक्षण को लंबे समय तक स्थायी करने के लिए, या अपने शिक्षण को रुचिकर आनंददायक बनाने के लिए जो भी वस्तुएं या शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है उन सभी को दृश्य श्रव्य सामग्री कहा जाता है। अब दृश्य श्रव्य सामग्री भी तीन तरह की होती है। एक होती है श्रव्य साधन, दूसरी होती है दृश्य साधन और तीसरी होती है श्रव्य और दृश्य साधन। जिनको हम कानों से सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वह श्रव्य साधन में आता है और जिनको देखकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है उनको दृश्य साधन कहा जाता है। और ऐसे साधन जिनको हम देखकर और सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उनको श्रव्य दृश्य साधन कहा जाता है। तो ये मैंने और श्रव्य दृश्य साधनों का महत्व भी मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था। आज हम अब आती है एक शिक्षक जब श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करता है वो बराबर की तैयारी करके गया है कक्षा में, लेकिन श्रव्य दृश्य साधनों का भी प्रयोग करने का एक तरीका होता है। अगर आप सही समय पर अगर श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग नहीं करोगे तो आपका शिक्षण सामग्री ले जाना कोई मायने नहीं रखता। अगर श्रव्य दृश्य कहते हैं कि भाई वक्त आने पर ही कोई चीज की करे तो उसकी इंपोर्टेंस बढ़ती है। अगर बेवजह या बे समय अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसकी इंपोर्टेंस इतनी नहीं होती। वही वाली बात है कि शिक्षण कराते समय अगर हम शिक्षण सामग्रियों का सही तरह से उपयोग नहीं करेंगे तो आपका कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट क्यों न हो, कितना भी अच्छा चित्र क्यों न हो, कितना भी अच्छा आपका मॉडल क्यों न हो, वो आपका ले जाना और वहां पे क्लास में समझाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो उसी के बारे में आज हमारा एक प्रकरण क्या रहेगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन के सिद्धांत, श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन के सिद्धांत, चयन के सिद्धांत। यदि हम सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो उस चयन करने में यानी हमें उन वस्तुओं को काम में लेने में हमें कौन सी वहां पर होशियारी बतानी है और कौन सी ऐसी बातों को ध्यान रखना है उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है कि श्रव्य दृश्य सामग्री विद्यार्थी की आयु अनुभव मानसिक स्थान होती है। यानी शिक्षण सहायक सामग्री मैं आप शिक्षण सहायक सामग्री बता रहा शिक्षण में दोनों अलग है। शिक्षण सहायक सामग्री सामग्री छात्र के आयु अनुभव व मानसिक स्तर के अनुसार, मानसिक
शीतल के अनुसार होनी चाहिए। अब शिक्षण सहायक सामग्री आप लेके जा रहे हो तो बच्चे की कक्षा भी देखोगे, बच्चे की जो विषय वस्तु है जो पढ़ाना है वो विषय वस्तु को भी देखोगे, उनके मानसिक स्तर भी देखोगे, उनका अनुभव भी देखोगे, तभी तो आप एक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हो। आप पढ़ा रहे हो प्राथमिक विद्यालय में और आपने चीज बना दी है कॉलेज लेवल की, तो बच्चा उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा। आपका वो मेहनत करना और आपको जो वस्तु लेके जा रहे हो वो व्यर्थ हो जाएगा। यानी बालक के स्तर अनुसार, उसकी आयु के अनुसार ही आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें, तभी वो उस शिक्षण में सार्थक होगा। दूसरा है, अत्यधिक बड़ी और सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए। यानी शिक्षण सामग्री ना तो अत्यधिक हो, अत्यधिक बड़ी बड़ी या सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए। यार मतलब एक भी ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा छोटी भी नहीं चाहिए। इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसको ले जाने में दिक्कत हो, इधर से उधर करने में दिक्कत हो, और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि पीछे वाले बच्चों को दिखे भी। यानी कक्षा के मतलब कक्षा में जैसा आकार है उसके आकार के अनुसार ही आपकी शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। यानी उस सामग्री का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसका महत्व दिखना चाहिए। विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण सामग्री व पाठ का होना चाहिए। आपकी जो शिक्षण सामग्री विषय वस्तु वह पाठ की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। शिक्षण सामग्री विषय वस्तु पाठ की प्रक्रिया के अनुसार, यानी जो भी आपकी विषय वस्तु है वो उस विषय वस्तु के अकॉर्डिंग ही वो सामग्री बनी भी होनी चाहिए, अन्यथा वो कोई मतलब नहीं है। अगर विषय वस्तु कोई और है और आप सहायक सामग्री को और बनाई है तो वो आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखेगी। वास्तविक वस्तु का विकल्प होना चाहिए। वास्तविक वस्तु का विकल्प होना चाहिए। जो भी आप सामग्री लेके जा रहे हो वो मतलब एक किसी वस्तु का ऐसी भी या सेम एक प्रतिरूप होना चाहिए, एक वास्तविकता दिखनी चाहिए उसमें। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने योग्य होनी चाहिए सामग्री। शिक्षण सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने योग्य होनी चाहिए। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके ऐसी सामग्री होनी चाहिए। अत्यधिक सूचना प्रयोग व प्रेरित करने वाली होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री अत्यधिक सूचना प्रयोग उत्प्रेरित करने वाली होती है।
भी मोटिवेट करने वाली होनी चाहिए, उत्प्रेरित करने वाली होनी चाहिए, जिज्ञासा पैदा करने वाली होनी चाहिए, जागृत करने वाली होनी चाहिए। अगर आप शिक्षा सामग्री का प्रयोग ऐसा कर रहे हो जिसका कोई मतलब भी नहीं है, बच्चों का कोई मतलब इंटेंशन भी नहीं है, मतलब कोई उसमें एक इच्छा शक्ति भी नहीं है जानने की, शिक्षक को स्वयं सामग्री का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। शिक्षक को स्वयं शिक्षण सामग्री का ज्ञान, शिक्षण सामग्री का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो भी शिक्षण सामग्री आप लेके जा रहे हो वह शिक्षक को उस पूरी मतलब शिक्षण सामग्री के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर उसको पूर्ण जानकारी नहीं है तो शिक्षण सामग्री ले जाने का मतलब क्या रहेगा। जो भी शिक्षण सामग्री ले जा रहा है तो उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिससे वो बच्चों को पूर्ण ज्ञान दे सके। दूसरा है सहायक सामग्री स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, सहायक सामग्री स्पष्ट रूप में होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। मतलब है कि सहायक सामग्री अति स्पष्ट होनी चाहिए, यानी बताने वाली होनी चाहिए। विद्यार्थियों को सामग्री व विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण सामग्री छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। इसके बाद में उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए साधना का उपयोग करना चाहिए, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए साधना का प्रयोग करना चाहिए, साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम शिक्षण सामग्री का शिक्षण में प्रयोग करते हुए शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। शिक्षण को अगर प्रभावशाली बनाना है, शिक्षण को रुचिकर बनाना है, तो इन बातों को हम ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तभी आपका शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम अगला विषय करेंगे। धन्यवाद।